नमस्कार दोस्तों, मैं हूं धनंजय कुमार पांडे। मैं आपका हुगली हॉट पे स्वागत करता हूं। चलिए देख लेते हैं आज की खबरें। केरल में हुए प्लेन दुर्घटना में कोन्नगर के अभिक विश्वास भी घायल हो गए थे, लेकिन घायल होने के बावजूद अभिक ने कई लोगों की जान बचाई थी। अभिक के परिजनों ने बताया कि गत 3 वर्ष पहले अभी ने एयर इंडिया में केबिन क्रू के तौर पर नौकरी शुरू की थी। कल रात दुबई से अभिक की प्लेन केरला के लिए रवाना हुई थी, जो रास्ते में दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी। इस बारे में अभिक के पिता अजय विश्वास ने शनिवार शाम बताया कि अभिक ने कल उन्हें फोन किया था और बताया था कि उसकी प्लेन दुर्घटनाग्रस्त हो गई है, लेकिन वह ठीक है, उसने कई लोगों की जान भी बचाई है। वहीं अभिक की मां भारती विश्वास ने बताया कि मेरे बेटे से बात हुई थी, घटना के बारे में सुनकर मैं आतंकित हुई थी। मैं सिर्फ भगवान के सामने बैठकर प्रार्थना कर रही थी कि प्लेन में मौजूद सभी लोगों की भगवान रक्षा करे। जिन पायलटों की इस घटना में जान गई है उन्हें सल्यूट करती हूं। वहीं कोन्नगर नगरपालिका के प्रशासक बापादित्य चटर्जी ने कहा कि अभिक ने अपनी जान पर खेलकर लोगों की जान बचाई है, इसका मुझे गर्व है। ब्यूरो रिपोर्ट, हुगली हॉट। কিছু করবার নেই, ভবিষ্যতে যদি না হয় ভগবানের কাছে সেটা প্রার্থনা করবো। হ্যাঁ, সবাই যেন সুস্থ থাকে, ভালোভাবে থাকে। অ্যাক্সিডেন্ট তো যখন তখন যখন কিছু উনি কবে আসবেন না আসবেন না না সেটা ওকে, থ্যাংক ইউ। শুনলাম যে এরকম অজয়দার ছেলে অভিক, এবং এটা আবার পুরনো ওয়ার্ড, এই ওয়ার্ডেই অভিক থাকে। তো কালকে যে ব্যাঙ্গালোরে দুর্ঘটনা ঘটেছে, কেরালা যে দুর্ঘটনা ঘটেছিল, সে ওই ইয়েতে ছিল কেবিন ক্রু হিসেবে, কেবিন ম্যানেজার হিসেবে। ও এখন বিপদমুক্ত, এবং সবচেয়ে ভালো লাগছে ও নিজে বহু মানুষকে রেস্কিউ করেছে বিপদের দিনে, যেটা বাঙালির কাজ, বাঙালি কিন্তু এটা করেই থাকে। যেটা বলার আছে যে ও নিজে থেকে দুর্ঘটনা হয়ে যাওয়ার পরও যে অতজনকে রেস্কিউ করেছে, তো ভগবানের কাছে ও বিপদমুক্ত, ভগবানের কাছে প্রার্থনা করি আরো ইয়ে হোক, আরো উন্নত সিবিডি কর্মী। मिलते हैं एक बहुत ही छोटे से ब्रेक के बाद। चुचुड़ा थाने की पुलिस अगस्त महीने में लॉकडाउन के दूसरे दिन अर्थात शनिवार को एक अलग ही अंदाज में नजर आई। चुचुड़ा थाना अंतर्गत विभिन्न इलाकों में जिन दुकानदारों ने लॉकडाउन का उल्लंघन करते हुए अपनी दुकानें खोल रखी थी, पहले उन्हें पुलिस ने मिठाई का पैकेट दिया, उसके बाद उन्हें फूलों की माला पहनाई और हिरासत में ले लिया। स्थानीय लोगों ने पुलिस के इस कदम का स्वागत किया, साथ ही आशा व्यक्त की कि पुलिस के इस कदम से अब चुचुड़ा के लोग लॉकडाउन के प्रति और भी ज्यादा सचेत होंगे और लॉकडाउन का पूर्णतया पालन करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, हुगली हॉट। मिलते हैं एक बहुत ही छोटे से ब्रेक के बाद। इस रविवार सुबह 10 बजे हमारे विशेष कार्यक्रम आपके सवाल में। आपके पास पुख्ता सबूत है तो आप अदालत में क्यों नहीं जाते? ये घेराव करना नहीं लगता कि पब्लिसिटी स्टंट है? देखिए हुगली जिले की फायर ब्रांड भाजपा नेता शशि सिंह को नमस्कार, सिर्फ हुगली हॉट। चलिए अगली खबर देख लेते हैं। शनिवार को अगस्त महीने के दूसरे लॉकडाउन के दिन जिले के विभिन्न इलाकों में पुलिस का अलग अलग रूप देखने को मिला। जिले की पांडुआ थाने की पुलिस ने खिरकुंडी इलाके में लॉकडाउन ना मानने पर कुछ युवकों को कान पकड़कर उठक बैठक करने की सजा दी। सुबह से ही विभिन्न इलाकों में पुलिस के अधिकारी और जवान सक्रिय दिखे। पांडुआ में अपने घर से बाहर निकले कई लोगों को पुलिस ने उनके घरों में वापस भी भेज दिया। पांडुआ में ही शनिवार को लॉकडाउन के दिन कुछ युवक पुलिस को देखकर इतना डर गए कि उन्हें जंगल में कूदते हुए देखा गया। पांडुआ के जोड़ा कुकुर में भी रास्ते में निकले लोगों को पुलिस ने कान पकड़कर उठक बैठक करवाई। ब्यूरो रिपोर्ट, हुगली हॉट। चलिए अगली खबर देख लेते हैं। डानकुनी थाना अंतर्गत मुल्लापुर इलाके में लॉकडाउन का उल्लंघन कर कई दुकानदारों ने अपनी दुकानें खोल रखी थी। स्थानीय लोगों ने इस बात की सूचना डानकुनी थाने को दी, जिसके बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर सभी दुकानों को बंद करवाया और दुकान खोलने वाले 54 दुकानदारों को हिरासत में ले लिया। लॉकडाउन के दिन जिले के सारे सरकारी और निजी कार्यालय बंद रहे, साथ ही
गंगा नदी के किनारे स्थित फेरी घाटों पर भी फेरी सेवाएं स्थगित रही। इसके अलावा जिले में चलने वाले वाहनों के परिचालन पर भी शनिवार को रोक रही। कुल मिलाकर ऐसा कहा जा सकता है कि छुटपुट घटनाओं के अलावा जिले में लॉकडाउन सफल रहा। ब्यूरो रिपोर्ट, हुगली। बड़ी खबरों की भीड़ में दब जाती है छोटी खबरें। हम आपको दिखाएंगे हुगली जिले की हर छोटी बड़ी खबर। हम हैं सिर्फ YouTube पर। अभी के लिए बस इतना ही। फिर मुलाकात होगी अगले बुलेटिन में।